हादसे की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े होना मामूली सी बात है। रात के अंधेरे में एक तेज रफ्तार कार सड़क के डिवाइडर से टकराती है और टकरा कर रुकने के बजाय किसी फिल्मी सीन की तरह कई बार पलटती हुई खंभे से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में खंभा भी टूट जाता है। ये दो दंपति हैं, दोनों ही मियां बीवी। करीब दो महीने पहले इनकी शादी हुई है। जो लड़की है वो डेरे के अंदर डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, और ये रात को आ रहे थे। अचानक गाड़ी ने मतलब एकदम से स्पीड पकड़ी है और डिवाइडर पार करके कई पलटियां खाई हैं, और वो पलटी खा के मतलब आगे जाके एक खंभे से टकरा के रुक गई। इस हादसे में एक महिला डॉक्टर की मौत हो गई, वहीं महिला डॉक्टर के पति को मामूली चोट आई। इस हादसे की बेचैन कर देने वाली तस्वीरें एक दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मृतक महिला की मां ने इस घटना को हादसे के बजाय हत्या की साजिश बताया है और अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाया है। मर्डर हुआ है कम्प्लीटली। बाहर से जैसे आए हैं, पहुंचने वाले थे उसके हॉस्पिटल में ड्यूटी थी, तो मेरे पास बहुत शाम को चलते हुए फ़ोन आया कि मम्मा थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, 6 बजे फ़ोन आया था। तो यहाँ पे उसके बाद बात ही नहीं हुई कि पहुँच के फ़ोन किया हो या। तो एकदम रात को 1:30 बजे फ़ोन बजा, वो भी फ्रेंड का, कहते कि एक बार आप हॉस्पिटल, इनके पास फ़ोन आया था कि आप हॉस्पिटल पहुँचो। तो ये एकदम से घबराए हुए थे। मैंने कहा कि मेरी बात कराओ, क्या बात हो गई? कहते एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कि एक बार मेरी बात कराओ पायल से। मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन मारा तो वो भी उनके फ्रेंड ने उठाया, मनदीप ने। आधा घंटा 15-20 मिनट हुए, इतने में वापस आया। थोड़ा सा लगा होगा कि वापस आया तो ऐसे पॉकेट में हाथ डाले, ना खरोंच है ना चोट है, गाड़ी को इतना हो गया, बेटी की डेथ हो गई, साथ में बैठता है तो उसको कोई चोट भी ना आए, खरोंच ना आए, तीन पलटे हैं, अब कहाँ पे है? सही बात है। लड़का है, उसको कितनी चोट है अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी तो उसको देखा नहीं है। बाकी जो लड़की के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये मर्डर है, प्री प्लान है, ये किया गया है। बाकी इस बारे में CCTV फुटेज खंगालने लग रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा सस्पेक्ट लग नहीं रहा। CCTV में साफ नज़र आ रहा है कि भाई गाड़ी जो है वो डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद में पलटे खाती हुई जा रही है। गाड़ी के अंदर कौन सवार है ये उसमें नज़र नहीं आता। महिला के परिजनों ने विशाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इस हादसे की हकीकत क्या है ये तो पुलिस जांच में ही साफ होगा। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।